For more such news and updates, do not forget to subscribe and hit the bell icon. श्रीदेवी के फैंस ही नहीं बल्कि हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर उनकी मौत अचानक हुई कैसे। तो फैंस, हम आपको बताते हैं श्रीदेवी के दुबई में बिताए आखिरी लम्हे। शनिवार को तकरीबन 11 बजे उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली। सूत्रों की माने तो श्रीदेवी अपने भांजे की शादी अटेंड करने दुबई गई थी। शादी के बाद बोनी कपूर मुंबई लौट आए, लेकिन श्रीदेवी ने कुछ दिन वहां बिताने का फैसला किया। बोनी कपूर शनिवार को 5:30 बजे श्रीदेवी को सरप्राइज देने दुबई पहुंचे। वो दोनों एक सरप्राइज डिनर डेट के लिए जा रहे थे, तभी श्रीदेवी तैयार होने के लिए बाथरूम गई और तकरीबन 15 मिनट बीत जाने के बाद बोनी कपूर ने दरवाज़ा खटखटाया और अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई, तो उन्होंने दरवाज़ा तोड़ दिया और देखा कि श्रीदेवी बाथ टब में बेहोश पड़ी थी। बोनी ने उन्हें उठाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं उठी। उन्होंने तुरंत डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बोनी कपूर उन्हें ठीक से सरप्राइज भी नहीं दे पाए, लेकिन श्रीदेवी ने उन्हें सरप्राइज कर दिया। इतना ही नहीं बल्कि श्रीदेवी अपने पति और बच्चों से इतना प्यार करती थी कि उन्होंने हाथों में मेहंदी रचाकर अपना जीवन उनके नाम कर दिया। श्रीदेवी की बॉडी दुबई में पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। उनकी डेड बॉडी आज शाम तक मुंबई आ सकती है। तो फैंस, आपकी क्या राय है, कमेंट करें और हमें बताएं। बॉलीवुड की और भी खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। गपशप तो